स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम में कई बार आता है कि इमेज फॉर्मेशन 22 तरह के लेंसेज और कॉनकेव लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनाने को आती है, तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड है कि हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। इन द केस अगर हमें उनके रूल्स नहीं पता होंगे तो हम वो इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, गोली लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज यानी गोली लेंस के द्वारा अपवर्तन। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के लेंसेज होते हैं, लाइक दैट दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस, और दिस इज कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्चुअली में बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जब दो सर्कल यानी कि दो कांच की गोले आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे जाते हैं तो ये जो स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंसेज बनके तैयार होता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज वैसे तो देखा जाए तो ऐसे होता है एक टाइम में, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और इसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो बाई कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से उभरे हुए। ठीक है, नॉर्मल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक तरफ प्लेन होता है एक तरफ उभरा हुआ होता है। लेकिन हम यूज कौन सा करते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये भी आपको बुक्स में कई बार मिल जाएगा, या फिर नहीं मिलेगा तो इसका कोई खास यहाँ पर यूज नहीं है चैप्टर से रिलेटेड। तो हम जो चैप्टर पूछा जाएगा जो एग्जाम में आता है उसकी तरफ बढ़ते तरफ, इसमें जो आएगा वो क्या पूछा जाएगा कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है। तो यहाँ पे सेम वही चीज हमें पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष होता है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर कि जो F1 F2 हमने वहां पे हमने F और C पढ़े थे मिरर के केस में, तो हम यहाँ पर इनके कर्व के अकॉर्डिंग F1 साइड F2 साइड और इसका डबल F2 F1 साइड और 2 F2 साइड ये लिखते हैं। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो वन साइड होती है, जिस साइड में इमेज बनती है वो 2 साइड होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो F1 साइड ये है और इमेज इस साइड में बनेगी तो F2 साइड ये है। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, ये क्या करता है कि जो रे ऑफ लाइट आती है सेम वही चीज देखिए यहाँ पर, यहाँ तो पैलर रहेगी, इसके बाद में ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, टूअर डेंसर ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि रे ऑफ लाइट को F2 पर कन्वर्ज कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, इसके केस में क्या होता है, पहले F2 ये साइड राइट हैंड साइड है, 2F2 F1 और 2F1। ठीक है, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो अब यहाँ पे देखिए ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग इस साइड में रे ऑफ लाइट मुड़ेगी वो भी F1 को बेस लेते हुए इस टाइप से। ठीक है, बताया था ना रेयर हिसाब ऐसे मुड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट जो जा रही वो फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग। कॉनकेव है ये यानी कि अवतल। ठीक है, तो अभी यहां पे भी क्लियर दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस अभिसारी है और कॉनकेव लेंस अपसारी है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इनके रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इनका रूल कैसे, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, इफ द रे ऑफ लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती तो क्या होता है? तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती लाइक दैट, तो सेंटर तक बिल्कुल सेम ऐसे ही आती है। आफ्टर दैट ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ज होगी कि डाइवर्ज होगी, उधर मुड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए डेंस साइड ये है, तो ये ऐसे एफ को फोकस लेकर के इस साइड से ऐसे मुड़ जाएगी। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स की केस में यानी उत्तल की केस में ये एफ टू पर जाएगी, और कॉनकेव की केस में किधर जाएगी ये भी देख लेते हैं। पैरेलल आएगी और डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये टर्न करेगी, तो ये इस टाइप से, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव है, ये रिफ्रैक्टिव है, और ये इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी, व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो F2 या F1 से जाती है। कॉन्वेक्स के केस में F2, उत्तल के केस में F2 से, और कॉनकेव की केस में F1 से जाती है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट कौन सा है। तो सेकेंड रूल देखिए यहाँ पर कि जब रे ऑफ लाइट F पर आती है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट F पर आएगी, यहाँ पर F1 पे आएगी ऐसे। आफ्टर जैसे हमने पढ़ रखा है पहले भी, F पर आती है तो वो पैरेलल ट्रांसफर होती है, यानी कि लाइक दैट, देखिए ऐसे, ठीक है। तो इन रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और इंसिडेंट रे ये हो गई। यहाँ पर F1 पे अगर आएगी तो ये यहाँ डाइवर्जिंग है, तो ऑलरेडी वो डाइवर्ज होगा, तो वो आउट ऑफ मिरर चला जाएगा, इसलिए F1 पे ना काउंट करके इसको F2 पे काउंट किया जाता है। रे ऑफ लाइट कम्स ऑन F, इसको हम डॉटर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इस जगह पे कट कर रही है, इस जगह पे पॉइंट आ रहा है, तो यहां से ये रिफ्लेक्टेड होगी पैरेलल ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये इंसिडेंट हो गई, तो क्लियर हो गया होगा। इफ द लाइट कम्स ऑन F1 तो ये पैरेलल जाती है, सेम हियर F2 पे आती है तो वो पैरेलल जाती है, ठीक है। अब थर्ड रूल देख लेते हैं, तो थर्ड रूल को देखिए, थर्ड रूल कौन सा है। इफ द रे ऑफ लाइट कम्स ऑन O, यदि प्रकाश की किरण O यानी ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर O, तो इस केस में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही सेम होती है, यानी कोई भी बेंडिंग नहीं होती है। सेम ईयर जब ऑप्टिकल सेंटर पर रे ऑफ लाइट आती है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों में ही कोई भी चेंज नहीं आता है, सेम होती है, यानी कि बेंडिंग नहीं होती, कोई भी झुकाव नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि तीन रूल यहाँ पर लेंसेज के हैं। पहला रूल, इफ द रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो एफ से ट्रांसफर हो रहा था। सेकेंड रूल कि इफ द रे ऑफ लाइट कम्स ऑन एफ, अगर फोकस पे आता है एफ वन या एफ टू पे, तो वो पैरेलल ट्रांसफर होगा। और थर्ड रूल हमने क्या देखा था कि इफ द रे ऑफ लाइट कम्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर ओ पे आती है तो विदाउट एनी बेंडिंग वो ऐसे एज इरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और आगे के टॉपिक भी आपको टाइम से मिलते रहे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए। Thank you very much.